हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। और आपको कुछ सेटअप चेंज लग रहा होगा और बहुत सारी चीज़ें चेंज लग रही होंगी। तो आज मैं शूट कर रही हूँ छत से, बिकॉज नीचे इतनी ज़्यादा वॉइस है कि वीडियो अगर मैं रिकॉर्ड भी करती तो वॉइस ना आती। तो आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ उस अगेन वेट लॉस का है, लेकिन काफ़ी अच्छी चीज़ है। और मैं बताऊँ तो काफ़ी वर्क भी किया है इसने मेरे बैली एरिया में। आप देख सकते हैं मेरा ये सूट काफ़ी ढीला हो गया है, पहले बिल्कुल टाइट रहता था, आप देख सकते हैं काफ़ी ढीला हो चुका है ये सूट, और सिर्फ उस एक रात की काम से। वो क्या है, और ये काम सिर्फ आपको रात में करना है, मतलब कि इस लॉकडाउन में कुछ भी आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सबके किचन में ये चीज़ अवेलेबल है। और साथ ही साथ सिर्फ दिन में मैं बोलूँ तो एक सेकंड का काम है, और काफ़ी अच्छा वेट लॉस करोगे, काफ़ी अच्छी स्किन होंगी, काफ़ी अच्छे बाल होंगे और स्किन शाइन करेगी, वेट लॉस बहुत अच्छा करोगे, खासकर टमी एरिया का। आप देख सकते हैं अगर आपको क्लीन दिखाई दे रहा होगा, टमी एरिया के पास मैंने काफ़ी अच्छा वेट लूज किया है। सूट भी मेरा काफ़ी ढीला हो चुका है क्योंकि मैंने 67 kg ऑलरेडी गेन किया हुआ था जनवरी से लेके अप्रैल तक किया। और जब से ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है मैंने अपनी पूरी रूटीन सेट की है, सब कुछ सेट करके मैंने वेट अच्छा लॉस किया है, पेट के पास काफ़ी अच्छा वेट लॉस किया है। मेरे सूट से ही आपको दिख रहा होगा काफ़ी ढीला सूट हो गया है। तो क्या है वो चीज़, बहुत सारी चीज़ फैक्टर्स हैं उसमें, ये मैं नहीं बोलूँगी कि सिर्फ इस एक चीज़ से, लेकिन इस चीज़ ने भी काफ़ी अच्छा सा जो है उपाय दिया है, काफ़ी अच्छा सा मेरे टमी एरिया के यानी कि नाभि के आसपास का फैट काफ़ी तेज़ी से बर्न हुआ है। और एक चीज़ मैं बोलूँ कि इस लॉकडाउन में ये चीज़ आपके घर में भी अवेलेबल है। क्या है, कैसे करना है, वो चलिए आपको आगे दिखाते हैं। और मेरा न्यू चैनल भी है, उसको फटाफट से सब्सक्राइब करिए, उसमें मैं अपनी स्किन केयर हेयर केयर सारी चीज़ें वहाँ पर दिखाती हूँ, तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए चलते हैं। एक कटोरी लीजिए और इसके बाद आपको लेना है कच्चा सरसों का तेल, बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी, आई थिंक मेरे को 2-3 दिन चल जाएगा, मैंने इतना निकाल लिया है। कच्चा तेल चाहिए, पका हुआ नहीं। और इसको अपनी एक फिंगर में लेके अपनी नाभि पे लगाना है, थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में लेके, आप चाहे तो रुई में लेके उसे रख लीजिए ताकि वो वहाँ पे रखा रहे, क्योंकि मैं ऐसे ही करती हूँ। अगर आप सिर्फ फिंगर से लगाएंगे तो वो तुरंत निकल जाएगा, आप एक कॉटन में इसे पूरा भर लीजिए और अपनी नाभि पे रख लीजिए, जिससे कि तेल रात भर अब्जॉर्ब होता रहे। एक छोटा सा ये नुस्खा मैंने किया जिससे कि मेरी जो नाभि के एरिया के आसपास की चर्बी होती है वो बहुत तेज़ से पिघली, क्योंकि मैं इसका कारण बताना चाहूँगी, सरसों का तेल बहुत ज़्यादा गर्म होता है और जब ये आपके पेट के आसपास रहता है, आपकी नाभि के आसपास रहता है, तो ये आपकी चर्बी को गलाना स्टार्ट कर देता है और इसका रिजल्ट आपको 15 दिन में ही दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, देखा बहुत ही छोटा सा उपाय है, मात्र जैसे मैंने बोला था 1 सेकंड में, और जैसा मैंने बोला था कि इस लॉकडाउन में सबके घर में अवेलेबल है तो सबके घर में भी अवेलेबल है ये चीज़। तो इसको ट्राई जरूर करिएगा और लगातार ट्राई करते रहिएगा बिना एक दिन भी मिस किए, तो इसको लगाते रहिएगा और देखिएगा मैजिक क्या होता है। और इसका इफेक्ट आपको 15 दिन के बाद ही तुरंत दिखना स्टार्ट हो जाएगा, आपका टमी एरिया फ्लैट होने लगेगा। वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया तो फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ बहुत ही जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।